कोटा की स्थापना बूंदी के राव देवा के प्रपौत्र जैत सिंह ने कोटिया भील को पराजित कर 1264 ईस्वी में की थी। सन 1625 तक कोटा बूंदी राज्य के अधीन रहा। बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के रावतन सिंह के पुत्र माधो सिंह की शूरवीरता से प्रसन्न होकर उसे कोटा और आसपास के गांव भेंट किए। इस प्रकार से राव माधो सिंह कोटा के प्रथम राजा बने और उन्होंने सन 1625 से 1649 के बीच कोटा को मूर्त रूप में स्थापित किया। माधो सिंह जी ने कोटा को अलग राज्य घोषित कर दिया और तब से यहां के राजा महाराव कहलाने लगे। महाराव माधो सिंह के बाद राव मुकुंद सिंह जी, जगत सिंह जी, प्रेम सिंह जी, राम सिंह जी, अजीत सिंह जी, छत्रसाल सिंह जी प्रथम, गुमान सिंह जी, उम्मेद सिंह जी प्रथम, राजा सिंह जी द्वितीय, छत्रसाल सिंह जी द्वितीय, उम्मेद सिंह जी द्वितीय और उनके बाद महाराव भीम सिंह जी द्वितीय कोटा के शासक बने। भौगोलिक स्थिति में कोटा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में चित्तौड़गढ़ एवं बूंदी जिला, दक्षिण में झालावाड़, पूर्व में बारा और उत्तर में सवाई माधोपुर एवं टोंक जिले हैं। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कोटा नगर मुंबई दिल्ली के मध्य रेल मार्ग पर स्थित है। कोटा में गढ़ पैलेस के अलावा कई प्राचीन हवेलियां हैं जो आज भी इतिहास की गवाह हैं। इनमें से एक है गढ़ पैलेस के सामने देवता जी की हवेली, जो राम सिंह जी द्वितीय के समय में बनवाई गई थी। कोटा बैराज देश के अत्यंत आधुनिक बैराजों में से एक है जो केवल मिट्टी से बना है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कोटा में एक अन्य दर्शनीय स्थल है अधरशिला, जो एक संप्रदाय विशेष का आस्था स्थल भी है। कहा जाता है कि यहां जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। कोटा का आशापाला का मंदिर हिंदुओं और विशेषकर
राजपूतों की आस्था का प्रमुख धर्म स्थल है। पुराने जमाने में कोटा दरबार यहां समय समय पर दर्शनार्थ आया करते थे। आज भी दशहरे के पूर्व यहां पूजा अर्चना के बाद ही रावण वध प्रक्रिया आरंभ होती है। अमर निवास कोटा के रजवाड़ों के जमाने का एक अन्य आकर्षण केंद्र है। यहां अपने शासनकाल में ग्रीष्म ऋतु में महाराव सपरिवार समय समय पर आते रहते थे। अभेड़ा कोटा रियासत के जमाने की एक अन्य भव्य इमारत है, जहां राजा रानी ग्रीष्म ऋतु में मगरमच्छों से खेलने के लिए आते थे। अभेड़ा महल का निर्माण 1346 ईस्वी में कोटा के महाराव राजा धीर सिंह ने एक तालाब खुदवाकर बनवाया था। उस समय इसमें आम, जामुन, नारंगी आदि के वृक्ष लगे थे। तब ये महल अपेक्षाकृत छोटे आकार का था। इसका उद्धार महाराव उम्मेद सिंह जी द्वितीय ने 1880 से 1940 के मध्य में किया और उन्होंने इसके तालाब में मगरमच्छ भी पालने शुरू किए। कहा जाता है कि ये मगरमच्छ अपने पालक की आवाज पर पानी से किनारे पर आ जाते थे और जब उन्हें खाने को दिया जाता था तो उसे लपक लेते थे। इसे देखकर राजा रानी आनंदित होते थे। क्षार बाग की छत्रियां। कोटा नगर के क्षार बाग में छत्र विलास तालाब के पास ये छत्रियां कोटा राजघरानों के पूर्वजों के अस्थि कलश व समाधि स्थल हैं। ऐसा विश्वास है कि राजघराने का पोता जब अपने दादाजी के अस्थि कलश समाधि स्वरूप यहां स्थापित करता है तभी उसके पूर्वज की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इन छत्रियों पर पशु पक्षियों और देवी देवताओं की कलात्मक आकृतियां बनी हुई हैं तथा इन स्थलों पर हाड़ा शासकों के दाह संस्कार करने की परंपरा रही है। इसके अलावा कोटा के शासकों द्वारा निर्मित अन्य भवन भी कोटा के आकर्षण में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इन्हीं में से एक भवन महाराव दुर्जन साल सिंह हाड़ा की रानी ब्रिज कुंवर ने सन 1745 ईस्वी में बनवाया था और इसे जग मंदिर नाम दिया था। जग मंदिर कोटा राज्य की रानी के अनुपम कला प्रेम का परिचायक है। रजवाड़ों के दौर में राजा महाराजाओं द्वारा इस जग मंदिर का विशेष रखरखाव रखा जाता था। महाराव दुर्जन साल सिंह को अपनी रानियों के साथ शिकार खेलने का बहुत शौक था। वह अक्सर शिकार अभियान पर रानियों को अपने साथ रखते थे। इनके शिकार की रुचि को दर्शाने वाले चित्र आज भी राव माधो सिंह म्यूजियम गढ़ पैलेस के अलावा अन्य कला दीर्घाओं में भी देखे जा सकते हैं। कोटा के विकास में यहां के भूतपूर्व शासकों का योगदान काफी सराहनीय है। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह जी द्वितीय, जिन्हें लोग
आज भी कोटा के शाहजहां के नाम से जानते हैं, उनका योगदान कोटा के ऐतिहासिक भवन निर्माण में विशेष रूप से रहा है। महाराव द्वारा जिन अन्य भवनों का निर्माण किया गया उनमें प्रमुख है हर्बर्ट कॉलेज। पहले इसका नाम नोबल स्कूल रखा गया था, जिसे कालांतर में हर्बर्ट कॉलेज का नाम दिया गया। कोटा में बड़े बाग के पास महाराव उम्मेद सिंह जी द्वितीय ने क्रॉसथ्वेट इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाया था, जिसे महाराव साहब की याद को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु उम्मेद क्लब नाम दिया गया, क्योंकि यह भवन उनकी अनेकानेक गतिविधियों का केंद्र रहा था। कोटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित गरडिया महादेव मंदिर एक अन्य धार्मिक स्थल है, साथ ही यह पर्यटन की दृष्टि से मनोरम और दर्शनीय स्थल है। कोटा में चंबल नदी के तट पर 10 एकड़ भूमि में स्थित यह चंबल उद्यान राजस्थान के श्रेष्ठतम उद्यानों में से एक है, जो 1976 में पूर्णतया विकसित हुआ। यह उद्यान सभी आयु वर्ग के दर्शनार्थियों को आकर्षित करता है। कोटा शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर डीसीएम मार्ग पर 8वीं शताब्दी का कंसुआ का शिव मंदिर है। कोटा में और भी भव्य मंदिर तथा ऐतिहासिक इमारतें आज भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। इनके अलावा कोटा में अन्य धर्मों के पूजा स्थल भी दर्शनीय हैं। कोटा शहर में चंबल नहर का विशेष महत्व है। कोटा के लोगों का रोजगार खेतीबाड़ी, पशुपालन और कोटा स्टोन के निर्यात के अलावा हथकरघा उद्योग जैसे कोटा साड़ी के व्यवसाय से चलता है।
स्थानीय लोगों के अनुसार कोटा पहले एक औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध था, जो कल कारखाने बंद हो जाने के कारण आजकल शिक्षा नगरी में बदल गया है। आज दूर दराज से छात्र छात्राएं यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। कोटा के त्योहारों में दशहरा मेला लंबी अवधि तक चलने के कारण जग प्रसिद्ध है। इस मेले को देखने विदेशी सैलानी भी प्रतिवर्ष काफी संख्या में यहां आते हैं। कोटा के बारे में कहा जाता है कि यहां दिन का मौसम कैसा भी हो, शामें तो अक्सर सुहावनी ही होती हैं।